समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि विष्णु का मंदिर बनाना है। अखिलेश यादव, तुम्हें विष्णु का मंदिर बनाने का अधिकार है, तुम समाजवादी पार्टी के सदर नहीं हो, अध्यक्ष नहीं हो, तुम नमाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हो। तुम्हारा बनाया हुआ, तुम्हारे पिता का बनाया हुआ राजनीतिक पुत्र मोहम्मद आजम खान, उसने बयान दिया है कि अमर सिंह ऐसे लोगों को काटना चाहिए, उनकी जवान हो रही बेटियों के ऊपर तेजाब फेंकना चाहिए। बेटियां तुम्हारी भी हैं, बेटियां तुम्हारे परिवार में अन्य लोगों की भी हैं, बहुएं हैं, पत्नियां हैं। और अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम मुलायम सिंह जी की पत्नी साधना जी से पूछो, तुम्हारे भाई और उनकी पत्नी विवेक और उनकी पत्नी वंदना तमाम झगड़े के बाद साधना जी के कहने से रोते हुए हमारे पास आए थे। बरसों से जेल में पड़े सिसकियां ले रहे थे, उन्हें अकेले तमाम विरोध के बावजूद वकील से लेकर के अदालत तक उनकी मदद करके तुम्हारे घर की रोती हुई बहू के आंसुओं की सिसकियों को मैंने बंद किया, उसके आंसू पोंछे, जबकि तुम और तुम्हारा परिवार, जब हम अनावश्यक कारणों से तुम लोगों की राजनीति के कारण से जेल में बंद थे तो हमारे रोते हुए बच्चों का आंसू पोंछ रहे, न तुम आए, न तुम्हारे पिता आए, न तुम्हारा परिवार आया। तुम विष्णु का मंदिर बनाओगे? नमाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश, तुम्हारा पाला हुआ, तुम्हारा पैदा किया हुआ तैमूर लंग, अलाउद्दीन खिलजी, नादिर शाह अब्दाली और महमूद गजनवी की नस्ल और संस्कृति का राक्षस आजम खान हमारी बेटियों को तेजाब से नहलाने की बात करता है, हमें काटने की बात करता है। मैं उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के हिंदू समाज को कहूंगा, और अगर इसके लिए मुझे सांप्रदायिकता का तमगा मिलता है तो बेशक मिले। अगर धर्मनिरपेक्षता का मतलब है अपने स्वाभिमान से समझौता करना तो ऐसी धर्मनिरपेक्षता से मैं कान पकड़ता हूं। आसफ़कुल्ला खान और कलाम ऐसे राष्ट्रभक्त मुसलमानों का सम्मान मैं कर सकता हूं, लेकिन तैमूर, नादिर शाह अब्दाली, अलाउद्दीन खिलजी और महमूद गजनवी की नस्ल और संस्कृति के मोहम्मद आजम खान का, जो अपना आदर्श मुलायम सिंह के जन्मदिन मनाने के बाद खुलेआम अबू सलीम और दाऊद इब्राहिम को बताता है, जो ये कहता है कि गुलाम नबी आजाद हिंदुस्तान का वजीरी नहीं है, क्योंकि वो उस कश्मीर से आता है जिसके लिए आज तक तय नहीं हुआ कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहता है, जो खुलेआम भारत माता को डाइन कहता है। क्या विष्णु का मंदिर बनाएगा? ये नमाजवादी है, ये समाजवादी नहीं है। जो जिसके घर की बहु बेटियों की इज्जत मैं जिंदगी भर बचाता रहा, झगड़े के बाद भी बचाया, पूछो वंदना से अपनी बहू से, पूछो अपने भाई विवेक से, पूछो अपनी माँ साधना से, पूछो अपने बाप अखिलेश से, तेजाब से हमारे बच्चों को जलवाओगे? तुम्हारे भी बच्चे हैं अखिलेश, तुम्हारे घर में भी बहुएं और माए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के गांव गांव और गलियां गलियों में अगर ये वीडियो नहीं दिखाया तो मैं क्षत्रिय नहीं। क्षत्रिय धर्म के बारे में जानते हो? 12 बरस लुकुपुर जिए, 16 बरस लुजिए सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तुम्हारे नमाजवादी पार्टी के इस राक्षस के एक एक ईंट का जवाब अगर पत्थर से नहीं दिया तो मैं क्षत्रिय की संतान नहीं। संभल के रहना, बच के रहना, तुम्हारी हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए दृढ़ता से तैयार हूं।